आज हम आपको पैंक्रियाज पार्ट फोर में बताना चाहेंगे अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या क्या आपको मिलेगा, तो पहला पॉइंट इसमें है पैंक्रियाटिक सिस्ट। पैंक्रियाज में सिस्ट हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डीज प्रेस द ड्यूडिनम एंड बॉइल डक्ट। अब ये सिस्ट करते क्या है कि ड्यूडिनम को और बॉइल डक्ट को ये प्रेस करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है कि ड्यूडिनम का रास्ता बंद और बाइल डक्ट से जो बाइल ड्यूडिनम में पहुंचनी चाहिए वो भी बंद, तो इसका मतलब कि डाइजेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट इसमें है कैंसर। तो पैंक्रियाज में वैसे कैंसर तो किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन पैंक्रियाज का हेड जो है कॉमन साइट फॉर कैंसर के लिए माना जाता है। जब पैंक्रियाज के हेड में कार्सिनोमा डेवलप करता है तो उसकी साइज बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि वो करता क्या है कि बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। कंप्रेस्ड जब उसको दबाता है तो बाइल डक्ट बंद हो जाती है, रिजल्ट क्या होता है, लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या है, मतलब बाइल का बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम में न पहुंचना, इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। मतलब रुकावट के वजह से, बाइल के रुकावट के वजह से जॉन्डिस का उत्पन्न हो जाना। तो जब बाइल डक्ट से बाइल नहीं पहुंचेगी तो रिजल्ट क्या होगा, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा है पोर्टल वेन। जब पैंक्रियाज का हेड साइज में बड़ा हो जाता है ड्यू टू कार्सिनोमा तो रिजल्ट क्या होता है, पोर्टल वेन जो पूरा एब्डोमिनल कैविटी की के ब्लड को लेकर के लीवर में जाती है तो वो रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है, वो सारा का सारा फ्लूइड लीवर में ड्रेन न होकर के एब्डोमिनल कैविटी में ही स्टोर होने लगता है, प्रॉब्लम हो जाती है एसाइटिस एंड पाइल्स दोनों की प्रॉब्लम हो जाती है। एब्डोमिन जो है डिस्टेंडेड हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। फिर है रिफर्ड पेन। पैंक्रियाज में यदि कोई डिसऑर्डर होता है तो इसमें पेन होता है, ये पेन कहाँ शिफ्ट हो जाता है, टू द बैक एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ एब्डोमेन एंड एपिगैस्ट्रियम। तो पैंक्रियाज का पेन जो है बैक में चला जाता है और ये सामने भी एब्डोमिनल पोर्शन में इसका पेन फील होता है, और एपिगैस्ट्रियम में भी ये पेन वैसे ही फील होता है जैसे बैक ऑफ द बॉडी। अगला पॉइंट है पैंक्रियाटाइटिस, मतलब आइटिस इसमें लगा हुआ है विच लीड विच इंडिकेट्स द इंफ्लेमेशन इंफ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज। ये इंफ्लेमेशन करता क्या है, इंफ्लेमेशन मे बी ड्यू टू स्टोन इन सीबीडी। इंफ्लेमेशन का जो मुख्य कारण बताया गया है वो क्या है, अ स्टोन प्रेजेंट इन द कॉमन बॉइल डक्ट, अगर उसमें है तो उसके वजह से इसमें इंफ्लेमेशन हो सकता है। अगला पॉइंट है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ये पैंक्रियाज की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, इट अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज या ट्रीटमेंट ना किया गया तो ये फेटल भी हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू वोमिटिंग एंड मम्स इन्फेक्शन। हाँ, एक्यूट पैंक्रियाटिस के बारे में बताया जा रहा था, यह एक पैंक्रियाज की बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होती है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट न किया दिया जाए तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इसमें कारण में बताया जा रहा है कि वोमिटिंग इसका कारण हो सकती है, और स्पेशली मम्स इन्फेक्शन। मम्स का इन्फेक्शन बहुत घातक होता है, ये पैंक्रियाज तक जाता है और पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है इंजाइम डिफिशियंसी। इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस। जैसा कि आप जानते हैं इंजाइम डिफिशियंसी, इसके क्लिनिकल में आपको एक पॉइंट बताया गया इंजाइम डिफिशियंसी। एज यू नो पैंक्रियाज इज नोन एज ए डबल ग्लैंड,
आर मिक्स ग्लैंड बिकॉज इट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक एंजाइम्स विच आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। जब एंजाइम की डिफिशियंसी होगी जो भोजन के डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर उनकी कमी हो जाएगी तो ये जो डाइजेशन का कार्य है ये निश्चित रूप से बाधित होगा और इसमें तमाम डिस्टर्बेंसेस पैदा होंगे। और अगला है टेल डैमेज। टेल डैमेज का मतलब अगर पैंक्रियाज की टेल डैमेज होती है तो कारण बन सकती है डायबिटीज मेलाइटिस का या हाइपरग्लाइसीमिया का। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ये आइसलेट्स की बीटा सेल्स होती हैं वो डेंसिटी में पाई जाती हैं टेल एरिया में कंपैरेटिवली टू हेड बॉडी एंड नेक, तो ये बहुतायत से पाए जाते हैं पैंक्रियाज की टेल में। और जब पैंक्रियाज की टेल डैमेज होगी तो बीटा सेल भी डैमेज होगी, रिजल्ट क्या होगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन घट जाएगा या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और वही कारण बन जाएगा डायबिटीज मेलाइटिस का। अगला है इंसुलिन डिफिशियंसी। अगर इंसुलिन कम मात्रा में बनता है तो रिजल्ट क्या होगा? और इंसुलिन बनता कहाँ है? पैंक्रियाज की बीटा सेल में। तो जब बीटा सेल में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ये इंसुलिन करता क्या है? ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। और जब ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है तो व्यक्ति के अंदर शुगर का लेवल नॉर्मल रहता है। जब इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो फिर शुगर को कंट्रोल करने वाला या उसका लेवल मेंटेन करने वाला कोई फैक्टर नहीं रहेगा बॉडी में। रिजल्ट क्या होगा कि शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ता ही जाएगा और रिजल्ट क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये मुख्य पॉइंट्स जो 7 पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताए गए, पैंक्रियाज में खास तौर से यही प्रॉब्लम्स होती हैं और इन्हीं को हम नाम देते हैं अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ पैंक्रियाज।